हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और पिछले दिनों थी छुट्टियाँ, आपकी छुट्टियाँ कैसी भी थी क्रिसमस वाली? बिकॉज इट वॉज़ अ लॉन्ग वीकेंड ना, तो कुछ प्रोग्राम बना आपका कहीं जाने का? हमारा बना था बट हम लोग नहीं जा पाए। आपको बाद में बताऊँगी व्हाट वॉज़ द रीज़न। अच्छा, मेरे को है ना पिछले किसी वीडियो में किसी फ्रेंड ने पूछा था कि दी आपके यहाँ पे मेड तो आती नहीं है, तो आप झाड़ू पोछा क्या खुद ही कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो? हाँ, मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि आपको याद हो मैंने पिछले किसी वीडियो में आपको दिखाया था मेरा मॉप, और उस मॉप एंड मेरे वैक्यूम क्लीनर के साथ मस्त काम हो जाता है। क्योंकि द थिंग इज़ कि ईजी है ना यूज़ करना, तो फिर बच्चे लोग भी हेल्प करा देते हैं, नहीं तो फिर सुबह में हस्बैंड मेरी थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं, तो हम लोग मिल करके कुछ ही देर में सारा जो घर है वो साफ़ कर लेते हैं। बट बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, तो थोड़ा बजट वाला कुछ हो तो मैं बताऊँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ही प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो है तो अमेजिंग, बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बजट में है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप फॉर क्लीनिंग फ्लोर। ये मॉप इलेक्ट्रिक है एंड इट कम्स विद वाटर स्प्रेयर एंड इट मेक्स मॉपिंग वेरी इफेक्टिव। इसे यूज़ करना बहुत ईजी है, इसमें ताकत तो बिल्कुल भी लगती नहीं है, ये खुद ही सारा काम कर देता है, आपको सिर्फ इसे मनूवर करने की ज़रूरत होती है। इसका मेन यूनिट साथ में आता है ये हैंडल, एक्सटेंशन ट्यूब, अडाप्टर फॉर चार्जिंग, एक मेजरिंग कप, दो एक्स्ट्रा माइक्रोफाइबर मॉप पैड्स एंड यूजर मैनुअल। इस पर आपको एक साल की वारंटी भी मिलती है। ये जो माइक्रोफाइबर पैड्स मेन यूनिट में अटैच्ड हैं, ये इजीली निकाले जा सकते हैं, इन्हें निकालकर आप साफ कर सकते हो, सुखा सकते हो। मेन यूनिट पर इधर वेलक्रो है जिससे मॉप पैड्स इस पर सिक्योर हो जाते हैं। और ये है मेन यूनिट, इस पर इधर एक स्वाइवल हैंडल है जिससे मॉपिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इट फ्रीली रोटेट्स द मॉप हैंडल टू क्लीन हार्ड टू रीच एरियाज, जैसे कि सोफे के नीचे, बेड के नीचे, टेबल के नीचे। ये मॉप इफेक्टिवली हर तरह के फ्लोर से स्टेन्स एंड डर्ट को रिमूव कर सकता है, चाहे फ्लोर मार्बल का हो, सीमेंटेड हो, टाइल वाला हो या लैमिनेटेड फ्लोर हो। और यहाँ पर ये वाटर टैंक इनलेट है, इसके थ्रू आप इसमें 200 ml वाटर डाल सकते हो। पानी भरने के लिए साथ में जो मेजरिंग कप आया है इसका इस्तेमाल करें। इसको असेंबल करने के लिए हैंडल के अंदर ये वायर आपको डालना है, फिर इसे लॉक करें। ये ना एडजस्टेबल एक्सटेंशन रॉड है, यहाँ से आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं सोफा, बेड एक्सेट्रा के नीचे से सफाई करने के लिए। अब दोनों वायर को कनेक्ट करें, हैंडल को फिक्स करें एंड इट इज रेडी टू बी यूज्ड। हैंडल पर आपको पावर बटन एंड स्प्रे बटन मिलेगा। मेन यूनिट में यहाँ से पानी निकलता है जब आप स्प्रे बटन प्रेस करते हो, और इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। बॉटम पैड जो है इनकी स्पीड 150 rpm है, और डबल स्पिनिंग हेड से सफाई बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। साथ ही आप देख रहे हो यहाँ पे है ना LED लाइट्स भी हैं टू सी थ्रू द डार्क कॉर्नर्स। और सबसे बढ़िया बात, ये रिचार्जेबल है, 4 घंटे के रिचार्ज से आपको 50 minutes ऑफ कॉर्डलेस यूज मिल जाएगा, विच इज इनफ टू क्लीन 2 BHK और 3 BHK हाउस। हाँ, यूज के बाद जो फ्लोर स्क्रबर्स हैं उनको क्लीन जरूर करें। ऐसे स्मार्ट टूल हो तो पोछा लगाना है बिल्कुल ही आसान। इट इज एक्चुअली फन टू क्लीन विद दिस मॉप। आप अगर इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो लिंक रख दूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कर लेना। और अभी मैं आपके साथ एक ऐसे पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है जुगाड़ पराठा। बिकॉज मेरे पास कुछ एक इंग्रेडिएंट्स थे जो कि मुझे यूज़ करने थे, तो आई थॉट कि इसका क्या करें, तो मुझे पराठा समझ आया। पराठा ना सब खा भी लेते हैं, इसकी फर्दर में कोई सब्ज़ी वब्जी कर देती ना तो वो फिर बच जाती। तो मेरे पास थोड़ी सी दाल रखी थी, थोड़ा दाल और नमक मिला करके मैंने पहले आटा लगा लिया और काट लिए हैं ढेर सारे प्याज। हरी मिर्ची बहुत तीखी नहीं है मेरे पास, तो ये भी थोड़ी ज़्यादा ले ली हैं, तीखी हैं तो कम लीजिएगा, बट डालिएगा एक आधी ज़रूर, पराठे में अच्छी लगती है। एंड देन हरा धनिया काट करके ले लिया है मैंने, पराठे में हरा धनिया भी बहुत अच्छा लगता है। ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला एंड रूटीन के जो पाउडर्ड मसाले रहते हैं वही सब, थोड़ा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर। पराठे में हल्दी वल्दी मैं नहीं डालती तो हल्दी नहीं ऐड किया। एंड देन ये है नाइलॉन सेव, 0 नंबर का सेव भी कहते हैं इसको। ये मैंने मंगाया था जब मैंने चाट बनाई थी, याद हो आपको, आपने वो वीडियो देखी हो, तो फिर उसके बाद ये फिर खाया तो जाता नहीं है, जैसे भुजिया होती है उसे खा लो, लेकिन ये है ना थोड़ा फीका फीका
अजीब सा होता है, इसको नमकीन की तरह नहीं खाया जाता, तो आई थॉट चलो इसको ऐड कर देती हूँ। ऐड किया मैंने थोड़ा नमक भी, और अभी ये जो सेव है ना, क्योंकि ये बेसन से बना हुआ है तो ये जो प्याज है इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर ले लेगी। सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं, और अभी जो आटा मैंने लगा के रखा था दाल वाला, उसके अंदर इसको स्टफ़ करके पराठा बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतना बढ़िया पराठा बना था, शर्मा जी वॉज लाइक कि प्याज का पराठा ऐसे ही बनाया करो। अब उन्हें कौन बताया कि हर वक्त मेरे पास लेफ्ट ओवर दाल या झीना सेव अवेलेबल नहीं है। और ये सवाल तो आपका भी हो सकता है कि दी झीना सेव तो हमारे पास भी नहीं है, तो आप कोई भी नमकीन जो आप कम खा रहे हो ना, जैसे बच जाती है, होता है ऐसा, हम लोग शुरू शुरू में इंटरेस्टिंगली खा लेते हैं एंड बाद में नीचे नीचे थोड़ा रेसिड्यू रह ही जाता है हर नमकीन का, तो उसे थोड़ा सा मिक्सी कर लें और उसको मिला दें, बहुत ही बढ़िया बनता है। उसमें पहले से थोड़े से मसाले रहते हैं जिससे जो स्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। एंड देन इसके बस इस तरह पराठे कर लें। मैं पराठे है ना कम आटा ज़्यादा स्टफिंग वाले बनाना पसंद करती हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जो आटा रहता है ना, बाहर की जो परत रहती है, ये क्योंकि पतली है ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी हो जाती है, तो पराठे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। बाय द वे, अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट मेरे पराठे बहुत लोगों को पसंद आते हैं। मैंने ना इतने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भरवा पराठे खिलाए हैं कि मैं गिनती भूल चुकी हूँ। हर किसी को भरवा पराठे पसंद आए हैं, जो भी जिस भी तरह के मैंने उन्हें खिलाए हैं। ये रेसिपी आप ट्राई कर लेना, आपको पसंद आएगी। और शाम में एज़ यूजुअल शानू की क्लास थी, स्कूल से छुट्टी हो जाती है बट ट्यूशन क्लास से छुट्टी नहीं होती है, तो उसको लेकर ड्रॉप करने गए थे। मुझे थोड़ी ना सब्ज़ी भी लेनी थी, तो जब ऐसे कुछ काम रहता है बाहर का तो फिर हम लोग सभी साथ निकल जाते हैं, अदरवाइज़ मैं अकेले ही उसे ड्रॉप करके आती हूँ। तो मैं थोड़ी सब्ज़ी वगैरह घर लेकर आई थी एंड उसके बाद काफ़ी देर कुछ काम नहीं किया। काफ़ी रात का ये मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। 25 दिसंबर का ये व्लॉग है, तो उस दिन क्रिसमस था, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो चर्च तक एक राउंड लगा के आते हैं। बच्चे लोगों से पूछा तो देवर लाइक कि मम्मी पापा होमवर्क है तो नहीं जा पाएंगे, तो हम दोनों ही बाइक पे घूम आए थे। इतना रश था पर रौनक सी लगी हुई थी, मज़ा आ रहा था देखने में। और ये क्या है शानू, शो योर फेस। ओहो वाह, आई क्या ये आंखों में क्या क्या हुआ है? ऐसे नया कुछ ट्राई कर रही थी। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। खुशी ने नहीं किया? नहीं। झूठी, इधर आ। ये कर रही है इतना सब कुछ और तूने कुछ नहीं किया? मैंने सच्ची कुछ नहीं किया वरना। नहीं किया। क्या किया है? लैशेस में कर्ल की थी। कर्ल की थी। हो गया होमवर्क? हाँ जी। यस। इसका करवा बाकी है। बेटा इसको है ना रिमूव करके सोना। हाँ हाँ डेफिनेटली। शो योर आईज, आंखें बंद कर। मिक्सी के एक जार के अंदर मैंने थोड़े से ऐड किए हैं बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता। मैं बना रही हूँ नट्स वाला दूध, ये ना सर्दियों में बड़ा अच्छा रहता है, काफ़ी हेल्दी रहता है। हम जब बाहर गए थे तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहीं से खा पी लिया था, और बच्चों के लिए थोड़ा सा हम लोग पैक करा लाए थे, तो ऐसा किसी को भी भूख नहीं थी। हम लोग आजकल रात में, सर्दियों में रात में मैं हमेशा ही गुड़ वाला दूध बनाती हूँ। आप मेरे अगर पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, तो बस दूध ही बनाने लगी थी। देन आई थॉट कि चलो थोड़ा सा आज स्पेशल वाला दूध हूँ, मसाला दूध, और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे यहाँ तो कम सर्दियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी जब होती है ना, जैसे विंटर्स नॉर्थ में थोड़े से स्ट्रॉन्ग एंड हार्श होते हैं, तो ये वाला दूध आप बना के देखना, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, टेस्टी तो बहुत होता ही है। तो मैंने दूध के अंदर है ना जो नट्स पीस से थे वो मिला करके उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। उसे जितना अच्छा आप बॉयल करोगे उतना बढ़िया टेस्ट आएगा।
और ये जो पाउडर आप देख रहे हो ना चम्मच में, ये मैंने उस दिन आपके साथ क्रिसमस प्लम केक की रेसिपी शेयर की थी ना, तब एक मसाला बनाया था क्लोव, सिनेमन और सौंठ का ड्राई जिंजर, तो वही बचा हुआ है, तो वो थोड़ा सा मैंने यहाँ ऐड किया एंड ऐड किया है जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर हो तो वो ऐड करें, नहीं तो दूध को जो गुड़ होता है उसको थोड़ा सा चॉप करके ऐड कर दीजिए एंड देन इस तरह दो बर्तन से दूध उछाल लीजिए। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि दूध उछाल करके ठंडा कर लिया, दूध उछाल करके घोट लिया, थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स हैं, बट दूध को इसी तरह उछाल करके चीज़ें मिक्स की जाती हैं और फिर दिया जाता है, तो ये थोड़ा ना लाइट हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्रीमी तो हो ही जाता है, टेस्ट इन्हांस हो जाता है ये मसाला दूध। आप एक बार ट्राई करना, अच्छा लगेगा। आप वो मसाला जो बनाया था एंड जो नट्स थे उनको पीस करके रख सकते हो रेफ्रिजरेटर में एंड तुरंत दूध उबाल करके उसमें ये सब चीज़ें मिक्स करके दे सकते हो। विंटर एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक है ये, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ। नेक्स्ट डे है, थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि चलो घर वर साफ कर लें, तो आज शर्मा जी सारे घर के जाले निकाल रहे हैं एंड आई वाज लाइक कि अब आप ये कर ही रहे हो तो मैं डस्टिंग नहीं कर सकती क्योंकि फिर पीछे पीछे गिरता चला जाता है, तो मैंने सोचा चलो मैं बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ। मुझे नहाना भी था, बाथरूम में हमेशा नहाने से पहले ही करती हूँ, तो उसके बाद सीधे बाथरूम से नहा करके साफ़ होकर आओ तो लगता ही नहीं है आपने बाथरूम क्लीन भी किया है, अलग से जाके करें तो टास्क जैसा लगता है। और मैंने सिर धुला था ना, और थोड़ी सर्दियाँ भी हैं, मैं काफ़ी देर से पानी में थी तो आई थॉट अपने बाल ड्राई कर लूँ। हर बार मैं नहीं करती लेकिन कभी कभी करती भी हूँ, मैं एज सच इनको सेट नहीं कर रही, थोड़े थोड़े ऑन द गो वो सेट हो ही जाएंगे, बट आई एम बेसिकली ड्राइंग अप देम। ऐसे निकालना पड़ेगा, एक्चुअली ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट हो गई है और हम ऐसे ही इसको साफ करने की कोशिश कर रहे थे ना तो बहुत हिल रहा है, तो एक हो तो चले पर ये छह छह हैं, कहीं कुछ बेकार में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वी थॉट कि इसको निकाल करके ही साफ कर लेंगे। बाप रे कितनी डस्ट, वही तो यहाँ डस्ट बहुत आती है। ये बल्ब में वापस अभी स्मेल लगा रहा है ना, ऐसे पड़े पड़े तो कुछ ना कुछ खराब ही हो जाएगा। ये बिना बल्ब निकाले नहीं निकलेगा, नहीं। और ये जितने भी बॉल्स थे ना ये सारे हम लोगों ने डिशवॉशर के अंदर अरेंज कर दिए हैं, क्योंकि डिशवॉशर में है ना कांच के बर्तन बहुत ही अच्छे धुल करके आते हैं, ये भी कांच ही है, इसको किसी भी चीज़ से साफ़ करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसके ऊपर स्क्रैच आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग सी कोटिंग है जिससे थोड़ा सा मतलब एक गोल्डन सी कोटिंग है, अगर आप समझे मैं क्या कह रही हूँ, तो इसलिए शर्मा जी ने कहा कि इसको डिशवॉशर में ही धो देते हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे भी निकल के आए थे। डिशवॉशर इज़ अ वेरी नाइस आई वुड से अप्लायंस आपकी किचन के लिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है इसलिए कभी कभी ऐसे डबल माइंडेड हो जाते हैं कि खरीदें कि नहीं खरीदें, काम आएगा कि नहीं आएगा, बट आई टेल यू बहुत काम आता है इसमें, सिर्फ बर्तन ही की बहुत सारी और भी चीज़ें आप धुल सकते हो, जैसे कि चिमनी वगैरह बहुत अच्छी इसमें धुल जाती है एंड ऑल्सो गैस स्टोव की जो एक्सेसरीज होती है ना वो भी मैं तो डिशवॉशर में धो लेती हूँ, बहुत अच्छी धुल जाती हैं एंड छनियाँ तो पूछे मत कितनी साफ़ आती हैं, जो टी स्ट्रेनर हैं। इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ एक बड़ी ही क्विक सी रेसिपी जो मुझे तो बहुत पसंद आई थी और आपको भी पसंद आएगी अगर आप मशरूम खाना पसंद करते हैं। मुझे यार पिछले 2-3 महीने से
पता नहीं क्यों सडनली मशरूम्स के लिए लव डेवलप हो गया है. प्रॉब्ली मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, अच्छे से बनाने लगी हूँ शायद, तो मुझे ये थोड़े और ज़्यादा अच्छे लगते हैं. पहले मैं बस खा लेती थी, मुझे लाइक नाइदर पसंद नॉर डिसलाइक्ड ऐसी वाली कहानी थी. लेकिन अभी आई जस्ट लव देम. तो मैं सब्ज़ियाँ लेकर आई थी तो मैं मशरूम भी लाई थी. अब मशरूम की लाइफ ज़रा कम रहती है, बहुत दिन इसे नहीं रख सकते रेफ्रिजरेटर में, तो आई थॉट इसे फटाफट से बना लेते हैं. मैंने पैन में ऐड किया था बटर, थोड़ा सा मिंस्ड गार्लिक, और अच्छी तरह से भून जाने के बाद ऐड किए प्याज और साफ किए हुए स्लाइस्ड मशरूम्स. एंड इसको कैरमलाइज करना है, मतलब ये ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे तब तक इसको भूनूंगी मैं. और मीनवाइल क्योंकि मैं सैंडविच बना रही हूँ तो थोड़ी सी ब्रेड तैयार कर लूँगी. और यहाँ पर आप बहुत तरह की क्रिएटिविटी आपके टेस्ट पैलेट एंड इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो. जैसे मेरे पास हरी चटनी है तो मैंने हरी चटनी इस पर लेयर कर दी है. आपको हरी चटनी नहीं पसंद है या आप और चाहते हैं तो इसमें आप मेयो लेयर कर सकते हो. आप चाहें तो जो केचप रहता है वो लेयर कर सकते हो. इसके बाद आप इसमें सैलड पत्ता वगैरह रख सकते हो, कोल स्लॉ रख सकते हो, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हो. मेरे पास सैलड पत्ता भी नहीं था, जो लेटस होता है तो वो भी मैंने नहीं किया. मैं सीधे चटनी के ऊपर जो मैंने स्टफिंग बनाई है ये रखूँगी. बट आप इसके साथ क्रिएटिव हो सकते हो. सैंडविचेस की तो कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं होती, आपको जो पसंद आए वो उसमें ऐड करें, जो नहीं पसंद आता वो निकाल दें. सैंडविचेस के साथ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो. देखिए मेरे मशरूम बहुत ही अच्छे कैरामलाइज हो गए हैं, अनियंस भी. लास्ट में गैस बंद करके मैंने इसके अंदर आधे नींबू का जूस जो है ऐड कर दिया है. गैस बंद करके ही हमेशा लेमन जूस ऐड करें एंड मिक्स इट वेल. स्टफिंग इज़ रेडी. सोच सकते हैं कि इसमें सॉल्ट पेपर जैसा तो कुछ भी ऐड नहीं किया. तो सॉल्ट मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि बटर में थोड़ा सॉल्ट था और मशरूम में बहुत सॉल्ट अच्छा भी नहीं लगता. और पेपर या किसी भी तरह का स्पाइसी चीज़ वो मैंने इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि यहाँ चटनी तो जा ही रही है. मशरूम बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी होना तो वो भी नहीं अच्छे लगते. ये जो पैन ग्लेज मशरूम्स हैं इसमें गार्लिक एंड बटर का ही टेस्ट आना चाहिए तो ये बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये मैंने मेरे हिसाब से बना लिए हैं, आप थोड़ा आपके हिसाब से इसको ट्वीक कर लेना. एंड देन फिर इसको मैं थोड़ा सा तवा पर ही बटर से सेक रही हूँ. ये इतने अच्छे लगे थे, मेरे हस्बैंड को मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं. मेरी बेटियाँ खा लेती हैं, उनको मशरूम पसंद ही है. हस्बैंड को ज़रा बहुत ही कम पसंद आते हैं, बट ये सैंडविच इतना अच्छा लगा था उन्हें, ही वॉज़ लाइक कि दोबारा जब मशरूम लाओगी तो ये वाली रेसिपी ही बनाना. खाना पीना करते करते कभी का मेरा डिशवॉशर भी डन हो गया था तो मैंने इसमें ना सारे बर्तन नहीं लगाए थे, सिर्फ कांच धो रही थी. मेनली तो मुझे ये बॉल्स ही धोने थे तो सिर्फ यही लगा के मैं इसे रन करने वाली थी. बट देन थोड़े कप वगैरह रखे थे, कांच के ही हैं वो भी, तो इसलिए मैंने साथ में लगा दिए. एंड इतने बढ़िया साफ शाइनी ये निकल करके आ गए हैं. अब हस्बैंड इनको अरेंज कर देंगे और मैं लूँगी आपसे इजाज़त. जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक दे दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय.